स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज के इस वीडियो में लुसेंट जीके का 80वां भाग लेके आ रहे हैं। आपको बता दें कि इसके 79 पार्ट ऑलरेडी अपलोड है। ये वीडियो परीक्षा विशेष होगी, यानी कि इसमें जो भी क्वेश्चन आएंगे ये गारंटेड क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो चलिए बिना देर किए ये वीडियो शुरू करते हैं। उससे पहले इस वीडियो को जरूर लाइक कर दें। इस वीडियो को लाइक करने के साथ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, उसके बाद बेल आइकन दबाएं, उसमें ऑल सेलेक्ट करें, इसी तरह की बेहतरीन वीडियो सबसे पहले पाने के लिए। तो शुरू करते हैं ये वीडियो। यहाँ पे देखिए आपके सामने क्वेश्चन और उत्तर दिख रहे हैं। इस वीडियो को हम इसी फॉर्मेट में कवर करने वाले हैं। जहाँ पर ज़रूरत होगी हम आपको एक्स्ट्रा फैक्ट बताएंगे, जो कि आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगा। क्वेश्चन है कि वसा में घुलनशील विटामिन कौन है। देखिए क्वेश्चन में पूछा गया वसा में घुलनशील, वसा मतलब कि फैट में, तो ये होता है ए डी ई और के। आपको एक चीज़ समझना होगा कि विटामिन तो वैसे कई होते हैं, जैसे कि ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया, ई हो गया या फिर के हो गया। तो इस तरह के कई विटामिन होते हैं, लेकिन इनमें से कुछ ही विटामिन ऐसे हैं जो कि फैट में घुलनशील हैं। कुछ विटामिन ऐसे होते हैं जो कि वाटर यानी कि जल में घुलनशील होते हैं, जैसे कि बी और सी। बी और सी विटामिन ऐसा है जो कि जल में घुलनशील होगा, लेकिन बी और सी को अगर इसमें से निकाल दिया जाए तो ए डी और ये जो ई तथा के है ये किस में घुलनशील होता है, वसा में। अब इससे होता क्या है कि अगर आपके शरीर में बी और सी की मात्रा बढ़ती है, मतलब कि आपने कुछ ऐसा चीज़ खा, आप एकदम लगातार खा रहे हैं जिससे कि आपके शरीर में सी की मात्रा बढ़ रही है और जो आपको मिलना चाहिए उससे ज़्यादा आपके शरीर में सी आ गया है, तब क्या होगा, तब जो एक्स्ट्रा सी है ये आपके जो शरीर के अंदर पानी है उसमें घुल जाएगा, क्योंकि बी और सी जल में घुलनशील होता है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। तो जब ये जल में घुलनशील होता है और आपके शरीर के जल में घुल जाएगा तो ये पेशाब के माध्यम से बाहर निकल जाएगा, यानी कि आपके शरीर में अगर विटामिन सी की मात्रा बढ़ जाती है तो वो मतलब शरीर के बाहर आसानी से निकल जाती है। लेकिन अगर इसके अलावा विटामिन ए या फिर डी या फिर ई या फिर के, अगर इनमें से कोई चीज़ आप ले रहे हैं और इसकी मात्रा बढ़ गई है तो ये विटामिन आपके लिए नुकसानदेह साबित होगा। यानी कि आपको समझना होगा कि कौन कौन से वसा में घुलते हैं और कौन कौन से वाटर में। अब देखिए रोग भी पूछा जाता है, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है, तो रतौधि, रतौधि। अब रतौधि के लिए सबसे मतलब अगर विटामिन ए को मात देना है तो आपको अगर देखा जाए तो सब्जियों में सबसे बेस्ट क्या है, तो गाजर। इसके अलावा और भी है लेकिन गाजर को सबसे बेस्ट माना जाता है क्योंकि ये सबके पास उपलब्ध है। अगर बात करें डी की तो विटामिन डी की कमी से क्या होगा, रिकेट्स। ठीक, अब ये रिकेट्स में क्या होता है, तो जो बच्चे होते हैं वो उनकी हड्डियाँ टेढ़ी मेढ़ी हो जाती हैं, बच्चे और बुजुर्गों में खास करके ये रोग होता है। विटामिन डी आपको कहाँ से मिलेगा, सूर्य के प्रकाश में। विटामिन ई से क्या होता है, प्रजनन रिलेटेड रोग होते हैं, प्रजनन रिलेटेड रोग, जैसे कि आप अगर कई चीज़ों में ये पाया जाता है। ठीक है, अगर विटामिन बी की बात करें तो विटामिन बी की कमी से होता है बेरी बेरी, और विटामिन सी की कमी से क्या होता है, स्कर्वी। तो ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है किसकी कमी से क्या होता है, कहाँ मिलता है। विटामिन सी आपको वहाँ मिलेगा जहाँ पे खट्टे फल पाए जा रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला है कि ध्वनि की चाल कितनी होती है, तो ध्वनि की चाल होती है 760 मील प्रति घंटा। अगला है कि एल्युमिनियम का प्रमुख अयस्क क्या होता है, देखिए पूछा गया है अयस्क, तो अयस्क मतलब ये होता है खनिज। अब खनिज भी नहीं पता है तो ये जानिए कि जो एल्युमिनियम आप मार्केट में देख रहे हैं ये धरती के अंदर से हमको उसी तरह नहीं मिल रहा है, ये जिस रूप में मिलता है उसे हम कहते हैं अयस्क, और एल्युमिनियम हमको मिलता है बॉक्साइट के रूप में। क्या आप एल्युमिनियम का मतलब कि किससे डिनोट करते हैं बता पाएंगे, तो इसको Al से डिनोट करते हैं। परमाणु क्रमांक कितना होता है, 13। आगे बढ़ते हैं तो अगला है कि मधुमेह रोग होता है, मधुमेह मतलब कि डायबिटीज, तो ये रोग होता है इंसुलिन के अभाव में, जब आपके शरीर में इंसुलिन की कमी होगी तो डायबिटीज हो जाएगा। इसके बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए इसके लिए एक दिवस मनाया जाता है, ये होता है 14 नवंबर को। हर साल 14 नवंबर को जब हम जवाहरलाल नेहरू के लिए बाल दिवस मनाते हैं उसी दिन मधुमेह दिवस भी मनाया जाता है। अगला है कि स्कर्वी रोग होता है, स्कर्वी रोग किसकी कमी से होता है, विटामिन सी की,
विटामिन सी की कमी से जो स्कर्वी होता है, स्कर्वी में होता क्या है, आपके होंठ फटने लगते हैं। स्कर्वी रोग के लिए जो विटामिन सी है मिलेगा कहाँ से, तो खट्टे फलों में, खट्टे फलों में, जैसे कि आंवला। अगला है कि सूर्य ग्रहण कब होगा। तो देखिए, सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण तो एक बेसिक बात है और ये आपको पता ही होना चाहिए, थोड़ा सा इसमें कभी कभी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो सूर्य ग्रहण तभी होगा जब चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच में आएगा, मतलब यहाँ पे हो गया सूर्य और यहाँ पे हो गई पृथ्वी, अगर इसके बीच में आ गया मून तो क्या होगा, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पे नहीं पड़ेगा, जब नहीं पड़ेगा तो उतना सूर्य हमको नहीं दिखेगा, यानी कि हो जाएगा सूर्य ग्रहण। ठीक, ये हमेशा अमावस्या को होता है। और अगर बात करें चंद्र ग्रहण की, तो चंद्र ग्रहण इसका बिल्कुल उलट होगा, चंद्र ग्रहण में ये यहाँ आ जाएगा, ये यहाँ चला जाएगा। तो उस दौरान क्या होगा कि ये अक्सर पूर्णिमा को होता है, हालांकि हर एक पूर्णिमा को नहीं होता है, क्योंकि देखेंगे आप तो महीने में एक अमावस्या और एक पूर्णिमा पड़ती है, तो ये हर एक अमावस्या और हर एक पूर्णिमा को नहीं होता है। आगे बढ़े तो अगला है कि एवोगाड्रो संख्या का मान कितना होता है। अगर केमिस्ट्री से क्वेश्चन पूछा जाएगा तो ये सबसे बेहतरीन क्वेश्चन हो सकता है। एवोगाड्रो नंबर ये होता है 6.023 × 10²। ये होता है एवोगाड्रो नंबर। अगला है कि दाब बढ़ने पर क्वथनांक पे क्या असर पड़ता है। क्वथनांक मतलब कि बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट। देखिए, जब आप दाब बढ़ाएंगे तो उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है ये बढ़ जाएगा। और इसका एक सीधा सीधा उदाहरण है प्रेशर कुकर। प्रेशर कुकर, प्रेशर कुकर जिसमें हम खाना बनाते हैं, होता क्या है कि इसमें इतना प्रेशर होता है कि बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है और आपका खाना जल्दी बन जाता है। अगला है कि मानव रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन कौन करता है। तो ये होती हैं लाल रक्त कणिकाएं, मतलब इनको हम आरबीसी बोलते हैं। आरबीसी जो कि केवल 120 दिन तक जिंदा रहती हैं, 120 दिन तक। आगे बढ़ते हैं तो अगला है कि मानव नेत्र का बना प्रतिबिंब कैसा होता है। जो हमारी आंख पे प्रतिबिंब बनता है मानव नेत्र में, ये कैसा बनता है। तो ये हमेशा बनता है उल्टा, मतलब आप कुछ भी देख रहे हैं वो आपको उल्टा आपकी आंख उसका फिगर बना रही है, लेकिन वास्तविक। अब एक सोचने वाली बात ये है कि जब ये उल्टा बनता है तो हमारे दिमाग को सीधा कैसे समझ में आता है। तो जब ये यहाँ से डाइवर्ट होकर आपके दिमाग के पास जाएगा आपकी आंखों से, तो वहां पे ये सीधा हो जाता है। चलिए एक क्वेश्चन पूछ लेते हैं, आंख से कमेंट करके बताइएगा। एक अच्छे नेत्र की न्यूनतम दूरी कितनी होती है, न्यूनतम दृश्य दूरी, मतलब कितना मीटर तक वो देख सकता है, न्यूनतम दृश्य दूरी कितना होता है। अगर आपको ऑप्शन चाहिए तो ये है 25 सेंटीमीटर, 35 सेंटीमीटर, 31 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर, ये आपके ऑप्शन है। अगला है कि पृथ्वी पर कुल जल में मीठे पानी का भंडार कितना है। तो ये है केवल 2.5%, मतलब जितना भी जल है आप देखेंगे कि 3/4, ये इतना 3/4 जल है, फिर भी इसमें से 3/4 जल में से लगभग 97% ऐसा पानी है जिसको हम पी नहीं सकते। समुद्र का पानी है, खारा है, लेकिन इसमें से पीने वाला जो भाग है केवल और केवल 2.5% है। दूध की शुद्धता नापी जाती है किससे, तो ये होता है लैक्टोमीटर। लैक्टोमीटर ऐसा है जो कि दूध को मापता है कि दूध कितना शुद्ध है या फिर कितना अशुद्ध है। आगे बढ़ते हैं, अगला है कि ध्वनि के शोरगुल का मापन होता है। ध्वनि अगर कहीं पे हो रही है तो उसका मापन कैसे होगा, किसमें होगा, तो ये होगा डेसिबल में, जिसको हम डीबी भी बोलते हैं। देखिए, होता क्या है कि एक पर्यावरण के लिए इसको एक मानक बनाया गया है, जैसे कि अगर 30 से 40 तक का है तो इसको बेस्ट माना जाता है पर्यावरण के लिए, इको फ्रेंडली आप बोल सकते हैं। अगर 50 से 60 होगा, तो एक व्यक्ति अगर सोया है और वहाँ पे 50 से 60 तक की ध्वनि हो रही है तो व्यक्ति जग जाएगा। अगर नॉर्मली ये 180 तक हो जाए तो समझिए कि कान के पर्दे फट जाएंगे। अगर कोई बहुत तेज ध्वनि हो रही है तो वो 100 पे होती है, जो कि असहनीय दर्द यहाँ पे आपको होगा। आप देख रहे हैं कि इस समय पूरे देश में लगभग लगभग जो डीजे हैं, मतलब साउंड बॉक्स हैं या फिर जो भी साउंड है, उन पे एक तरह से हाईकोर्ट ने रोक लगाई है। तो हाईकोर्ट या फिर सुप्रीम कोर्ट ने वहाँ पे 40 dB तक की ध्वनि को अलाउ किया है, कि मतलब आप इतना शोर कर सकते हैं कि 40 dB की ध्वनि हो। तो 40 dB का मतलब ये कि ये
शोर नहीं मचाता है, आराम से, मतलब अच्छी ध्वनि होगी। 50 से 60 का मतलब ये समझिए कि एक व्यक्ति इस पे जग जाएगा, आप खुद समझ सकते हैं। अगला है कि बायोगैस में मुख्यतः क्या होता है। जो बायोगैस हम कहते हैं तो इसमें होता है मीथेन। मीथेन का रासायनिक सूत्र CH4। इसको और किस नाम से बोलते हैं? मार्स गैस। कहाँ पाई जाती है? तो खानों में। खानों मतलब कि जो कोयले के खान है, और इसीलिए ये वहाँ पे आग लगने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अगला है कि माइक्रोफोन का आविष्कार किसने किया था? तो ये किया गया था ग्राहम बेल के द्वारा। माइक्रोफोन से एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि माइक्रोफोन क्या करता है, माइक्रोफोन किस ऊर्जा को किस ऊर्जा में बदलता है, ये क्वेश्चन पूछा गया है, क्या आप बता पाएंगे? तो देखिए, माइक्रोफोन मतलब कि उसमें हम बोलते हैं, यानी कि वो ध्वनि ऊर्जा को बदल देता है किसमें? विद्युत ऊर्जा में। अगर माइक्रोफोन ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल रहा है, तो क्या आप बता पाएंगे कि लाउड स्पीकर क्या करता है? लाउड स्पीकर ये क्या करता है? तो लाउड स्पीकर ध्वनि ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदल देता है। ये दोनों एक दूसरे के उल्टे हैं। अगर आपसे पूछ लें कि जनरेटर क्या करता है, ये सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं, आपको कुछ भी बिना मतलब का नहीं बताया जा रहा है। जनरेटर क्या करता है? तो जनरेटर यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। तो इस तरह ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए, अगर आप बताना चाहते हैं तो ये क्वेश्चन का कमेंट करके बताइएगा। विद्युत मोटर क्या करता है? विद्युत मोटर क्या करता है? ये जनरेटर का उल्टा होता है, तो कमेंट करके जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। अगला है कि प्राकृतिक मोम और लाख। ये लाख है, ये प्राप्त किए जाते हैं कहाँ से? तो ये होता है कीड़ों के स्राव से। अगला है कि कार बैटरी में कौन सा अम्ल इस्तेमाल में लाया जाता है? तो ये होता है सल्फ्यूरिक अम्ल, H2SO4। देखिए, अम्ल अम्ल को कैसे हम डिफाइन करते हैं? पीएच स्केल से। ये 1 से लेकर 14 तक होता है, बीच में 7 होता है, जिसको हम बोलते हैं उदासीन, मतलब कि न्यूट्रल। ठीक, 1 से 7 के बीच में जो होगा उसको हम बोलेंगे अम्ल, यानी कि एसिड। 7 से 14 के बीच में जो होगा उसको बोलेंगे क्षार, यानी कि बेस। जो अम्ल होते हैं उसमें H जरूर होता है, H+। जो क्षार होते हैं उसमें क्या होता है? OH-, ये जरूर होता है। ये सारे क्वेश्चन जितने हम आपको बता रहे हैं, एक्स्ट्रा फैक्ट सब कुछ पूछा जाता है। अगला है कि हमारे शरीर में आधारी उपापचय को नियंत्रित करने वाला हार्मोन कौन सा है, जो कि हमारे शरीर को आधारी उपापचय को नियंत्रित करता है? तो ये है अब2 ग्रंथि। आगे बढ़ते हैं, पेसमेकर किससे संबंधित है? पेसमेकर तो ये है आपके हार्ट से। आगे बढ़ते हैं, विरंजक चूर्ण का सूत्र होता है CaOCl2 होता है इसका चूर्ण, इसका फार्मूला। अगला है कि हीरा और ग्रेफाइट एक जैसे नहीं दिखते हैं, क्यों? देखिए, होता क्या है, यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है, इसको छोड़ दीजिए। हीरा और ग्रेफाइट एक दूसरे के अपरूपक होते हैं। अपरूपक, अपरूपक मतलब एक ही के दो रूप। ठीक, मतलब दोनों भाई आप कह सकते हैं, हीरा और ग्रेफाइट। तो हीरा और ग्रेफाइट दोनों अपरूपक हैं, किसके? कार्बन के। ठीक, लेकिन दोनों एक जैसे नहीं दिखते हैं, दोनों भाई हैं लेकिन एक जैसे नहीं दिखते हैं, क्यों? क्योंकि दोनों की परमाणु संरचना अलग अलग होती है। ग्रेफाइट में विद्युत का प्रवाह होता है, क्या आपने ग्रेफाइट देखा है? हीरा में नहीं होता है। तो जो ग्रेफाइट की बात हम कर रहे हैं, अगर आपने पेंसिल यूज किया है, तो पेंसिल की जो लेड होती है वो होती है ग्रेफाइट की, चेक मत करिएगा, उसमें लाइट आती है। अगला है कि प्राकृतिक बहुलक है, तो प्राकृतिक बहुलक है रबड़। आगे बढ़ते हैं, तो अगला है कि कच्चे फल को पकाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो ये होती है एसिटिलीन गैस। अगर कोई कच्चा फल है तो उसको एसिटिलीन गैस का यूज करके पकाया जा सकता है। अगला है कि विद्युत चुंबक बनाने के लिए सबसे उपयुक्त होता है क्या? तो ये होता है मृदु लोहा, इसको हम नर्म लोहा भी बोलते हैं। इसका यूज हम आपको बता रहे हैं, जो ट्रांसफार्मर होता है आपने देखा होगा, उसके ऊपर जो ये राउंडिंग में जैसे बने होते हैं, लोहे के लगे होते हैं हाथ जैसे, इसको हम क्रोड बोलते हैं। ये जो क्रोड होते हैं ये नर्म लोहा का ही बनाए जाते हैं, और ये इसलिए नर्म लोहा का प्रयोग किए जाते हैं ताकि इनको विद्युत चुंबक बनाए, जब इसमें विद्युत का प्रवाह होगा तो ये एक मैग्नेट की तरह वर्क करने लगे। आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले, अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए,
और देखिए इस तरह के ढेर सारे पार्ट ऑलरेडी अपलोड है, लिंक चेक करिए, डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगला है कि मस्तिष्क और मेरु रज्जु को ढकने वाली झिल्ली में सूजन आ जाने पर कौन सा रोग होता है? मस्तिष्क और मेरु रज्जु, तो ये जो रोग होता है इसको कहते हैं मेनिजाइटिस। ये एक रोग है, आपने नाम हो सके कि सुना हो, ये मस्तिष्क और मेरु रज्जु में होता है। अगला है कि द्रव्यमान का एसआई मात्रक क्या है? तो ये होता है किलोग्राम। देखिए देखा जाए तो ये दो चीजें हैं जो आपको समझनी होगी, एक होता है भार और एक होता है द्रव्यमान। क्या आपको इनमें अंतर पता है? ये बेसिक चीज़ है लेकिन पता होना चाहिए अगर आपको, आप में से बहुत लोगों को पता होगा। भार मतलब W यानी कि वेट, द्रव्यमान मतलब कि MG। ठीक, इसमें मतलब कि रिलेशन अगर देखा जाए तो W बराबर MG होता है, यानी कि किसी वस्तु का जो भार होगा वो चेंज नहीं होगा और जो ये द्रव्यमान होगा ये उसके ग्रेविटेशनल फोर्स पे काम करता है। मतलब कि अगर आप धरती पर हैं, आपका वजन 60 किलो है, चंद्रमा पर जाएंगे तो आपका वजन 10 किलो हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो जी की वैल्यू है यहाँ पे इसी जी की वैल्यू का 1/6 हो जाता है। तो इस तरह एम और जी में आपको, डब्ल्यू और एम जी में आपको रिलेशन जानना चाहिए। अगला है कि पौधे और जीवों के स्थान वितरण के अध्ययन को क्या कहते हैं? इसको कहते हैं बायो जियोग्राफी। जियोग्राफी, बायो जियोग्राफी इस तरह होता है। अगला है कि क्षेत्रफल एक अदिश राशि है। अदिश, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? देखिए टाइपिंग मिस्टेक है, यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन था। क्षेत्रफल एक अदिश राशि है ये बताया गया है। अगला है कि सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है मतलब आकार के अनुसार, तो ये है बृहस्पति। सौरमंडल से कई क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कुछ बता दे रहे हैं कुछ हम आपसे पूछ लेंगे। सूर्य के सबसे नजदीक बुध, पृथ्वी की बहन शुक्र, पृथ्वी की जुड़वा बहन शुक्र, और शुक्र पृथ्वी, शुक्र कितने दिन में सूर्य का चक्कर लगाती है? 225 दिन में, पृथ्वी 365 दिन में। ठीक, दो ग्रह अगर बात करें पृथ्वी की तो ये चक्कर लगाती है वेस्ट से ईस्ट के तरफ, और इसी तरह 6 ग्रह चक्कर लगाते हैं, लेकिन दो ग्रह ऐसे हैं जो कि ईस्ट से वेस्ट में चक्कर लगाते हैं। एक हम बता दे रहे हैं ये है शुक्र, दूसरा कौन सा है ये आप हमें कमेंट करके बताइएगा, या फिर आप हमें ये भी कमेंट करके बता सकते हैं कि लेटा हुआ ग्रह किसको कहते हैं, लेटा हुआ ग्रह। अगला है कि अस्थियों का अध्ययन मतलब अगर आप हड्डियों का अध्ययन करते हैं तो क्या कहलाएगा? ये होगा ऑस्टियोलॉजी। शरीर की जो सबसे बड़ी हड्डी होती है उसको बोलते हैं फीमर, ये होती है जांग में। लेकिन सबसे छोटी हड्डी कहाँ होती है? चलिए बता दे रहे हैं, कान में, मध्य कान में। नाम क्या होता है कमेंट करके बताइएगा। अगला है कि प्रोटीन का सबसे अधिक समृद्ध स्रोत क्या है, जहाँ पे सबसे ज़्यादा प्रोटीन मिले? तो ये है सोयाबीन और मशरूम। सोयाबीन मतलब कि जो सोयाबीन हम सब्जियों में यूज करते हैं वो तो सोयाबीन का मतलब मेन सोयाबीन नहीं होता है, मेन सोयाबीन का अगर आप यूज करते हैं तो उसमें सबसे ज़्यादा प्रोटीन पाया जाता है, लगभग कितना, 42%। आगे बढ़े तो अगला है कि ध्वनि तरंगे यात्रा नहीं कर सकती हैं। ध्वनि तरंगे तो ये निर्वात में यात्रा नहीं कर सकती हैं। कहने का मतलब ये है कि जहाँ पे मतलब वायुमंडल नहीं होगा वहाँ पे ध्वनि नहीं हो सकती, मतलब कि आप बात नहीं कर सकते। अगर यहाँ पे एक रूम रहे और इस रूम को निर्वात कर दिया जाए, मतलब बिना हवा का कर दिया जाए, आप यहाँ हैं कोई यहाँ है, तो आपकी आवाज़ चाहे आप कितना भी नज़दीक हैं कोई नहीं सुनेगा। अगला है कि अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष काला लगता है, कैसा लगता है? तो ये लगता है काला। अब ये भी पूछा जाता है कि क्यों काला लगता है, क्योंकि वहां पे वायुमंडल नहीं है। वायुमंडल से क्या मतलब? तो वायुमंडल से ये मतलब है कि वायुमंडल में कण होते हैं धूल के, और प्रकाश इस पर से टकरा करके चारों ओर फैलता है, तभी जाकर हम धरती को अंतरिक्ष से नीला देख पाते हैं। लेकिन अगर हम पूरे अंतरिक्ष में चले जाएं ऊपर तो हमको अंतरिक्ष काला दिखने लगता है, क्योंकि वहां पे वायुमंडल नहीं है। अगला है कि रक्तचाप यानी कि ब्लड प्रेशर को मापने के लिए क्या प्रयोग में लाया जाता है? तो यह है स्फेनोमैनोमीटर, स्फेग्नोमैनोमीटर। आगे बढ़ते हैं तो अगला है कि रेडियन किसकी इकाई है? तो रेडियन इकाई है कोण का, और इष्ट रेडियन होता है घन कोण का। ये दोनों एक ही साथ पूछा जाता है, रेडियन कोण का और इष्ट रेडियन घन कोण का। अगला है कि खून की कमी अगर आपको हो जाए तो कौन सा रोग होगा? ये होगा एनीमिया। एनीमिया को बोलते हैं खून की कमी। भारी जल शब्द किसका सूचक है?
तो भारी जल हम बोलते हैं D2O को, लेकिन नॉर्मल जल तो H2O होता है, तो HD कैसे बन गया? तो देखिए, इसके लिए हाइड्रोजन के तीन समस्थानिक होते हैं, 1H1, 1H2 और यानी 1H3। यहाँ पे जब हम जल की बात कर रहे हैं तो पहले वाले H को प्रयोग कर रहे हैं, लेकिन भारी जल में हम दूसरे वाले को प्रयोग करते हैं, तो ये ड्यूटेरियम बोला जाता है। और इसीलिए यहाँ पे ड्यूटेरियम को समझाने के लिए हम डे लिखते हैं, यानी कि भारी जल मतलब कि ड्यूटेरियम ऑक्साइड। आगे बढ़ते हैं, तो अगला है कि विटामिन जो आंखों के लिए अच्छा हो, कौन सा विटामिन है? तो यह विटामिन ए। इसकी कमी से कौन सा रोग होगा? रतौंधी। कहाँ अधिक मात्रा में पाया जाता है? गाजर। केवल गाजर ही नहीं, बहुत जगह पाया जाता है, लेकिन गाजर में कुछ एक्स्ट्रा होता है। अगला है कि कोबाल्ट पाया जाता है, तो ये होता है विटामिन B12 में, विटामिन B12 में पाया जाता है कोबाल्ट। अगला है कि आवेश की मात्रा का मात्रक क्या होता है? तो आवेश मतलब कि एम्पियर सेकेंड, आवेश की मात्रा का मात्रक होता है एम्पियर सेकेंड। देखिए, सात मूल राशि होती हैं, उनके सात मात्रक भी होते हैं, आपको पता होना चाहिए सभी का नाम। अगला है कि बिजली के बल्ब का फिलामेंट बना होता है किसका? टंगस्टन का। टंगस्टन का ही क्यों? क्योंकि इसका जो ताप सहने की क्षमता होती है बहुत होती है, लगभग 3400-3500 डिग्री सेंटीग्रेड ताप को सह सकता है, और इसमें विद्युत का खपत भी बहुत कम होता है। तो देखेंगे आप बल्ब के भीतर क्या होगा कि यहाँ पे डायरेक्ट दोनों वायरों को ले जाके बल्ब के भीतर जोड़ा गया होता है, डायरेक्ट एकदम जोड़ दिया जाता है टंगस्टन के द्वारा। तो ये कम विद्युत खपत में ज़्यादा मतलब कि प्रकाश देगा, और इतना एनर्जी, इतना ऊर्जा तक, इतना टेम्परेचर तक ये गलेगा नहीं, इसीलिए टंगस्टन का प्रयोग करते हैं। अगला है कि डायनामाइट में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? तो ये है नाइट्रोग्लिसरीन। डायनामाइट का आविष्कार किसने किया था? अल्फ्रेड नोबल ने। इनके नाम पे नोबल पुरस्कार भी दिया जाता है 1901 से। भारत में भी सबसे पहली बार 1913 में मिला था। चलिए आप बताइए कि 1913 में किसको मिला था? आपको बता दें, साहित्य के लिए मिला, और ये साहित्य था गीतांजलि। अगला है कि पॉजिट्रॉन की खोज किसने की थी? तो पॉजिट्रॉन की खोज की थी एंडरसन ने। आगे बढ़ते हैं, अगला है कि शरीर में एनीमिया रोग कब होता है, यानी कि खून की कमी से, और ये आयरन की कमी से होता है, मतलब कि अगर आप आयरन की कमी से होता है तो आप पालक में आपको सबसे ज़्यादा मिलेगा। अगला है कि नींबू में पाया जाने वाला अम्ल कौन सा है? नींबू चूंकि खट्टा है तो इसमें जो अम्ल मिलता है ये होता है साइट्रिक अम्ल। आगे बढ़ते हैं, तो वायुमंडलीय हवा का सर्वाधिक घटक है, तो ये है नाइट्रोजन। अगर वायुमंडल की बात करें, नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21% पाया जाता है। गैसोहाल बनता है, गैसोहाल किसको किसको जोड़ करके बनता है? तो पेट्रोल और इथेनॉल को अगर मिला दिया जाए तो ये बनेगा गैसोहाल। अंधापन किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन ए, गाजर, और ये इसको हम रोग को बोल सकते हैं रतौंधी। कार्बन के दो मुख्य अपरूपक तो हमने पहले ही बताया था, हीरा और ग्रेफाइट। आगे बढ़ते हैं, शरीर की सबसे बड़ी हड्डी, ये भी हमने पहले बता दिया है, फीमर। सबसे छोटी हड्डी आपको बताना था, और वो थी स्टेपिज। स्टेपिज कहाँ होती है? तो मध्य कान में। मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियाँ होती हैं? 206, लेकिन बच्चों में 325 के आसपास ही हड्डियाँ होती हैं। प्रकाश वर्ष मात्रक है किसका? प्रकाश वर्ष में हम क्या मापते हैं? दूरी को। प्रकाश वर्ष में हम मापते हैं दूरी को। किस दूरी को? तो जो बड़ी बड़ी दूरियाँ होती हैं उनको हम प्रकाश वर्ष में मापते हैं। तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही। आशा है कि आपको वीडियो जरूर पसंद आई होगी, तो इसलिए इस वीडियो को जरूर लाइक करिए, इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, और इस तरह की ढेर सारी वीडियो को देखने के लिए इस चैनल का प्लेलिस्ट चेक करें। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू। इस वीडियो को लाइक करने के साथ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, उसके बाद बेल आइकन दबाएं, उसमें ऑल सेलेक्ट करें, इसी तरह की बेहतरीन वीडियो सबसे पहले पाने के लिए।